अरे छत्तीसगढ़, परिणाम जो आए हो। कई बार भ्रांतियां ऐसी फैलाई जाती है कि लोगों को लगता है चलो ये भी कर देखें, कर लिया। दो महीने में मालूम पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार और ये चिटफंड घोटाले वाली सरकार के बीच में अंतर क्या है। छत्तीसगढ़ की जनता को दो महीने भला कोई सरकार चिटफंड घोटाले वालों को समर्थन में खड़ी रह सकती है? मेरी तो समझ में नहीं आती। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह यहां बैठे हैं, 10 साल तक विपक्ष की सरकार थी फिर भी, और बाद में 5 साल एक डबल इंजन सरकार रही नरेंद्र मोदी जी और रमन सिंह जी की। 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भारत में किसी को कल्पना नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के घर घरों में बिजली पहुंच सकती है, मेरी वनवासी मां के पैर में स्लीपर पहनाने वाला कोई मुख्यमंत्री आ सकता है, हर घर में चावल देकर उसकी भूख भांगने वाला, भूख को भगाने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, दलित के, आदिवासी के, पिछड़ा समाज के बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, सिंचाई के रकबे को 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ाने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, 24 घंटा छत्तीसगढ़ में बिजली देने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ में किसी ने कल्पना। ये 15 साल के अंदर हमने छत्तीसगढ़ को बदलने का काम किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, आपके अध्यक्ष के नाते कहने आया हूं, जरा भी आत्मविश्वास की कमी करने की जरूरत नहीं है। सीना तान कर चुनाव के मैदान में जाइए, विजय हमारी निश्चित पड़ी है।